नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिहान अनिल कुमार राम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेंकुत्सु दाची हम लोग स्टार्टिंग में बेसिक में जब नए नए आते हैं हम लोग तो कैसे करते हैं, और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं आप उसको अगर ठीक से कीजिएगा तो आप जेंकुत्सु दाची जल्दी सीख पाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा और हमारी वीडियो को रैंक मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा बेल होगा उसको भी दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग करना क्या है। पहले रे करना है। रे का एक वीडियो बना हुआ है कि रे कैसे करना है, आप उसको देख लीजिएगा। योई का भी वीडियो बना हुआ है, योई का भी वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों को करना है जेंकुत्सु दाची गिदन बराए। तो पहले फर्स्ट रे, पहले रे करेंगे योई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके शाबाश योई। अभी हमको करना है फर्स्ट एक हाथ सीधा रखे, लेफ्ट हैंड कंधे पर चढ़ाएंगे, लेफ्ट लेग सामने लेकर आएंगे एंड गिदन बराए स्लो में। ये हमें योई फिर से, अगर ऐसे ही आपको अगर राइट लेग से अगर बोला जाए तो आपको क्या करना है, राइट हैंड टू स्लो यम योई। ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे हो रहा है। अभी हम लोग साइड से करते हैं एक बार रे योई। लेफ्ट लेग से करेंगे, क्या करना है हमको, वन टू स्लो यम योई। अब राइट लेग से हमको करना है टू स्लो योई यमे। अब सामने से फ्रंट से स्पीड में करेंगे योई, लेफ्ट लेग से करेंगे वन वन आइए में, राइट लेग से करेंगे टू या मैं, लेफ्ट लेग से करेंगे थ्री, फिर से राइट लेग से फोर या मैं। अब साइड से करेंगे, हमको लेफ्ट लेग से पहले करना है लेफ्ट लेग वन या मैं, अब राइट लेग से करना है हमें टू या मैं, लेफ्ट लेग थ्री अप या में फोर या में टर्क। अभी हम इसमें आपको बताते हैं कि क्या करना है। पहले अगर लेफ्ट लेग से करना है हमको तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को सीधा रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से करना है तो राइट हैंड सीधा रखिए पहले वन, और लेफ्ट हैंड को कंधे पर चढ़ाएंगे और लेफ्ट लेग लेकर आएंगे सामने। लेफ्ट लेग का पैर का फिंगर एकदम देखिए सीधा है, राइट लेग का थोड़ा सा साइड है, पीछे वाला पैर का थोड़ा सा साइड है, लेकिन जब जेंकुत्सु दाची में बॉडी जब गिदन बराई करेगा तब देखिएगा चेस्ट साइड होगा धीरे धीरे स्लो चेस्ट। आप देखिए चेस्ट साइड हुआ, पीछे का पैर हामी में चला गया फ्रंट लेग। आपको क्या करना है, जेंकुत्सु दाची का वो पोजीशन पैर का पीछे का वैसे ही रखना है, जस्ट थाई से हल्का सा टर्न करना है हामी बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरा पैर से वैसे ही स्लो में करेंगे। तो दूसरा हाथ देखिए कौन सा, अगर हमको राइट लेग से करना था तो हमारा लेफ्ट हैंड सामने आया, राइट लेग को सामने लेकर आएंगे स्लो एंड देन देखिएगा जब हाथ उतरेगा तो चेस्ट भी साइड होगा, देखिए गो चेस्ट साइड हो रहा है ये यमी योई।
अब वैसे ही हमको करना है क्या, साइड साइड से करना है वैसे ही। देखिए लेफ्ट हैंड से पहले हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड सामने रख के लेफ्ट हैंड कंधे पर चढ़ाएंगे, लेफ्ट लेग को सामने लेकर जाएंगे और साइड करते हुए, चेस्ट को साइड करते हुए हाथ को नीचे उतारेंगे। यम योई। नाउ राइट लेग, राइट लेग के लिए आपको लेफ्ट हैंड सामने लेकर जाना है, राइट लेग राइट हैंड को कंधे पर चढ़ाना है, राइट लेग को सामने लेकर आएंगे और धीरे से स्लो में नीचे हाथ को लेते हुए चेस्ट को साइड करेंगे। यम है यो है रे अस। तो ये था आज का हमारा गेदन बराई, जो कि बहुत स्पेशल चीज है, जो आपको ट्रेनिंग, अगर बेसिक ट्रेनिंग करना है तो आपको ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, अगर एक बार में समझ ना आए तो 10 बार करना है आपको। और वीडियो को अगर अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।